डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पढ़े पहले देखिए क्या ते बोल रहा है। ए सर्कुलर प्लेट विद एन 80 mm डायमीटर, एक सर्कुलर प्लेट है जिसकी डायमीटर क्या है 80 mm, हैज वन एंड ऑफ डायमीटर इन दी एचपी व्हाइल दी अदर इंड इज इन दी वीपी। द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी एंड 60 डिग्री टू वीपी। ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री टू दी एचपी एंड 60 डिग्री टू दी वीपी, ये देख करके ही काम जो है उठ जाना चाहिए कि 30 प्लस 60 कितना हो गया 90। 90 है क्वेश्चन में कुछ तो है, जैसे स्ट्रेट लाइन में 90 वाला कॉन्सेप्ट बताए थे कि 90 है मतलब कुछ है, यहाँ भी 90 है तो कुछ है। एक तो कॉन्सेप्ट वहां, दूसरा एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। दे रहा है कि जो डायमीटर है एक इंड लाइन का, सॉरी प्लेन का, कोई भी क्वेश्चन जो हम बताए हैं उसमें बताए ये हैं कि प्लेन का जहां ट्रू शेप देखिए वहां से बनाना है आपको। अब देखिए ये जैसे डायमीटर है ना, अब ये डायमीटर है जहां हम पकड़े हैं, मान लीजिए इसका दूसरा एंड वहां पे है। यदि हम इसको ऐसे रखेंगे या ऐसे इंक्लाइन करें एचपी से, या ऐसे वीपी से रख करके वीपी से इंक्लाइन करें एचपी से इंक्लाइन करें, तो पहला एंड तो एचपी में, क्या दूसरा एंड एचपी में जा रहा है। देखिए ये जो है एक एंड हमने पकड़ा है, दूसरा एंड इसके नीचे है, तो ये जो है एचपी में तो है लेकिन ये वीपी में कब होगा? ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ऐसे रखें और दूसरा ऐसे रखें, और ये भी इस तरह से रखेंगे कि ये जो एंगल है एचपी से यहाँ पे, यहाँ जो एंगल बना रहा है ठीक है, देख रहे हैं यहाँ जो एंगल बन रहा है एचपी से 30 और वीपी से 60 बनाए तो ही संभव है। तो अब प्रश्न ये है कि इसका ट्रू शेप कहाँ दिखेगा? ट्रू शेप सर कहीं नहीं दिखेगा। तो इसको बनाएंगे कहाँ पे? तो इसमें लेंगे हम लोग एक्सिलरी प्लेन का मदद, वी विल टेक द हेल्प ऑफ एक्सिलरी प्लेन या साइड प्लेन का मदद लेंगे। कैसे? अब यहां पे एक प्लेन लगा दीजिए और हम यहां से देखेंगे, यहां से देखिए ये प्लेन जिस डायरेक्शन में इधर से देख रहे हैं, तो क्या दिखेगा? एक इंक्लाइंड लाइन दिखेगा कि नहीं? ठीक है, तो पहले हम इंक्लाइंड लाइन बनाएं, ठीक है ना, समझना है कि इंक्लाइंड लाइन बनाएं, उसके बाद इसको प्रोजेक्ट करें। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और बताए हैं कि प्लेन जिसके इंक्लाइंड है उसके पहले इसको पैरेलल ले लीजिए, पहले उसके पैरेलल ले लीजिए। तो ये एचपी से भी इंक्लाइंड है, वीपी से भी इंक्लाइंड है। तो अभी मान लीजिए कि वीपी से इंक्लाइंड नहीं है, सिर्फ क्या है एचपी से इंक्लाइंड है, ठीक है ना। ऐसे सर्किल बनेगा कि नहीं? पहले ये बना लीजिए, मान लीजिए कि ये एचपी से इंक्लाइंड नहीं है, सिर्फ सॉरी एचपी और वीपी से इंक्लाइंड नहीं है, ये वीपी में बना दिए। देखिए एक एंड जो है इसका, एक एंड एचपी में, दूसरा एंड वीपी में है कि नहीं? कंडीशन करेक्ट है। दूसरा कंडीशन देखिए, ऐसे हम रख दिए और इसको ऐसे ले जाएंगे एचपी को नीचे, तो यहां भी दोनों एंड, एक एंड एचपी में दूसरा एंड वीपी में आ सकता है कि नहीं? तो ये भी प्रोसेस सही है। उसके बाद हम करेंगे क्यों क्या इसका इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन इसको करेंगे, लेकिन इंक्लाइन करें उसके पहले हम जो है इसके लिए क्या कर लें, सर्कल बना लें, ठीक ना। सर्कल भी बनाने के पहले सबसे पहले एक्स वाई लाइन तो हम बना ही लें, जो बचपन से हम बनाते आ रहे हैं, बचपन से लेकर के बचपन तक अर्थात ड्राइंग की क्लास में आप कोई भी क्वेश्चन बनाए प्रोजेक्शन के ऊपर यदि है तो उसमें एक्स वाई लाइन तो आप बना ही लीजिए, ठीक है दोस्त। अब प्रश्न यह है कि हम जो है बना ले क्या सर्कल, कितने डायमीटर का? 80 mm डायमीटर है तो हम सर्कल ले लें, सॉरी रेडियस ले लें, कितना 40 mm मान लीजिए रेडियस ले लिए, और इस तरह से बनाना है कि टच करते हुए जाए, ये जो है ये इस तरह से टच करते हुए इसको मिटाइए, पहले सेंटर डिफाइन कीजिए, ठीक ना, ये यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए, ये मान लीजिए सेंटर हो गया। अब इस सेंटर पे रख करके कंपास को सेंटर पे रख करके, कंपास को सेंटर पे रख करके यहां से आप
एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। कंपास को सेंटर पे रख करके सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ हो गया आपका, यहां एक सर्कल ड्रॉ हुआ, तो ये तो आपका फ्रंट व्यू का हो गया। टॉप व्यू में भी हमने बताया था कि टॉप व्यू में भी जो है कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। टॉप व्यू में भी जस्ट इसी के नीचे जो है आप ड्रॉ कर लेंगे सर्कल। देखिए कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेम यही रेडियस जो आपने यहां रखा है, यही रेडियस आप यहां भी रख करके, यहां भी रख करके और ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ये आपका सर्कल टॉप व्यू का हो गया। अब इसको किसी भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। देखिए वन, ये फोर पार्ट्स में हो गया, ये एट पार्ट्स में 45-45 डिग्री पे कर लीजिए। देखिए एट पार्ट्स में डिवाइड हो गया कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से यहां भी ये सेंटर है, ये सेंटर से ये वन पार्ट, टू, थ्री और फोर, ठीक है। अब बच्चों का नंबरिंग कर सकते हैं आप यहां पे, ठीक है। ये क्या हो गया, मान लीजिए वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट पार्ट्स में हमने सर्किल को डिवाइड कर लिया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब एक्जिलरी प्लेन या साइड प्लेन कहां बनाएं। देखिए दोस्त, ये साइड प्लेन यहां पे बना लीजिए, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका एक्स वन और ये क्या हो गया वाई वन, समझिएगा। अब ये एक्स वन वाई वन और इसी को जब आप जो है जैसा कि हम बता रहे थे ना, अभी आप देखेंगे यदि ये इस तरह से है तो इधर सामने से देखेंगे तो पूरा ये डायमीटर दिखेगा कि नहीं, यही 80 मतलब यही वाली लाइन जो है क्या जाएगी, यहाँ जाएगी कि नहीं, ठीक ना। तो पहले हम उसको बनाएं, ठीक है, पहले हम इसको बना ले, ठीक है। ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ये ड्रॉ होगा, ठीक ना, ये स्ट्रेट लाइन यहां से इसी के बराबर और ये थोड़ा सा साइड में लीजिएगा, हाँ, और ये आपने ड्रॉ किया कितना 80 mm, ठीक है। अब ये कौन सा लाइन है, ये वन और ये सब बेस में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है फ्रंट व्यू है। अभी इधर नीचे वालों का नामकरण नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा वन डैश और ये क्या हो गया फाइव डबल डैश। आपको हम बताए थे कि जो साइड व्यू होगा तो साइड व्यू को क्या करना है, आपको साइड व्यू को डबल डैश से और जो आपका फ्रंट व्यू होगा सिंगल डैश से और टॉप व्यू विदाउट डैश से। अब ये इंक्लाइंड होगा, ये इंक्लाइंड होगा कितने डिग्री से, ठीक है ना। तो एक तो सबसे पहले आप चाहें तो सिक्स और फोर को भी जब आप लाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको सिक्स डबल डैश और फोर डबल डैश, यहाँ से आप लाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा सेवन डबल डैश और थ्री डबल डैश, और ये टू और एट वाले को लाएंगे ये टू और एट एक ही पे आएगा टू डबल डैश और एट डबल डैश, ठीक है। अब ये जो है जैसा कि अभी बता रहे थे आपको कि ये तो अभी ऐसे था, ऐसे आप बनाए हैं पूरा कंडीशन लेकर के, लेकिन एक्चुअल में तो ये नहीं है ना, 30 डिग्री टू एचपी और एचपी से 30 डिग्री और ये 60 डिग्री करना है। तो अब आप देखिए साइड में हम ऐसे देखेंगे, आप ऐसे देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम गिरा दें, ये जो लाइन है आपका वन डबल डैश फाइव डबल डैश इसको गिरा दें, कितना डिग्री से ऐसे गिराए कि ये 30 डिग्री हो जाए और ये 60 डिग्री हो जाए, हो सकता है कि नहीं। आप ऐसे देखिए, दिख रहा है, इसको ऐसे गिरा देंगे। अब गिरा दीजिए इसको, यही लेंथ लेकर के जितना लेंथ है उसी लेंथ को आप गिरा देंगे। कैसे गिराएंगे ध्यान से देखिएगा, ये कितना लेंथ है 80, यही है ना, यही है 80, और इसको इस तरह से अब गिराएंगे कि यही लाइन जो है यहां पे आएगा,
ये देखिए यहाँ पे जितना लेंथ है ठीक है उतना ही लेंथ यहाँ पे गिरेगा इसी पॉइंट से, कितने डिग्री पे 30 और इस तरह से गिरेगा कि ये 60, 30 और 60। तो आप इसको कुछ ऐसा कर लीजिए, आप तो एक 30 और 60 का लाइन खींच लीजिए आप, ये देखिए 30 और इस तरह से यहाँ पे एक 30 और 30 और 60 का लाइन खींच लिए हम अपने मन से, लाइन खींच लीजिए। उसके बाद इसको इंक्लाइन करना है, उसके बाद क्या करना है इसको इंक्लाइन कर देना है। इंक्लाइन कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिए, आपको तो 80 ही चाहिए था ना, 80 ही चाहिए। ये देखिए ये यहाँ पे 5 है और इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको ये 5 डबल डैश, ठीक है। अब क्या बचा आपका 6 डबल डैश, 4 डबल डैश, फिर अब ये बचा आपका 7 डबल डैश, 3 डबल डैश, ये हो गया, फिर ये जो है आपका इधर हो गया। तो ये जो आपका रेड लाइन है ठीक है ना, बेसिकली ये रेड लाइन इस तरह से है कि ये यहां से 5 से ठीक है ना, ये यहाँ पे आकर के टिका हुआ है, ठीक है। ये क्या है 5 डबल डैश, ये 6 डबल डैश, 4 डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा 7 डबल डैश, 3 डबल डैश, और ये जो हो गया वो क्या हो गया 2 डबल डैश, 8 डबल डैश, और ये 1 डैश अपने जगह पे है। और ये एंगल जो है आपका कितना हो गया 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो अब जो है और ये 90 डिग्री पे ऑलरेडी है ही, अब यहाँ पे हमको इसकी जो है एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसकी जो है अब कहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसको हमने ले लिया X1 और ये Y1, ठीक है, बस इतनी की ही जरूरत थी। अब इतना जब बन गया तब हमारा काम हो गया। अब देखिएगा इसके बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब ये 5 डबल डैश अब आपको ये ट्रांसफर करना है कहां, इसके अंदर भी और यहाँ टॉप भी, क्योंकि एक्चुअल फिगर तो यही है। अब 5 डबल डैश यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये 5 डैश और ये 5 डबल डैश यही पॉइंट मिला कि नहीं, 5 1 डैश कर लीजिए, 6 डैश और 4 डबल डैश ये ऐसे, और ये 6 डैश वाली ये पॉइंट मिला आपको, और ये 4 डैश से ये पॉइंट मिला, मिला कि नहीं। तो ये 6 डैश 6 1 डैश और ये 4 1 डैश, उसी तरह से ये 7, ये 7 से जाइएगा तो ये क्या होगा, ये 7 देन इसकी ये 7 डबल डैश और ये 3 डैश, उसी तरह से ये 2 और 8 वाला आ जाइए, ये 8 और ये 2, यहीं पे आपका ये 2 मिलेगा और ये 1 यहीं का यहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप बनाएंगे ठीक है ना, अब यहाँ पे सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए, अब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह का कुछ फिगर आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है, देख लीजिए दिख रहा है, ये है आपका एक्चुअल फ्रंट व्यू, ठीक है। अब बात आती है टॉप व्यू की, टॉप व्यू की बात आती है तो टॉप व्यू के लिए क्या करते थे, ये 5 डबल डैश को यहीं पे गिराएंगे, इसको गिराए यहाँ पे 6-4 को, ये 7-3 को, 2-8 को और ये 1 को गिराएंगे कि नहीं। अब यहाँ से क्या प्रोसेस था इसको कन्वर्ट करने के लिए, दो प्रोसेस है, या तो 45 डिग्री पे ले लीजिए या ये सभी से आर्क ले लेंगे आप, ये 1 से आर्क ले लिए यहाँ पे, ये 2-8 से ले लिए, फिर इससे ले लिए, फिर इससे ले लिए, और ये सभी पॉइंट्स को इधर आगे बढ़ा लेंगे, देखिए बढ़ा सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स को आगे बढ़ा दिए, और इधर जो पॉइंट मिला था आपका कौन सा पहले वाला, उससे आप इसको एडजॉइन कर दीजिए, उसको एडजॉइन करेंगे तो कहां कहां मिलेगा देखिए, यही 5 डैश वाला लाइन यही है और यही गया है, ये 5 वाला पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट है आपका 6 और 4,
तो 6 और 4 और यही आपका 6 और 4 जाएगा, 6 और 4 को आप जो देखेंगे यहां पे 6 और 4 कहां है, ये 6 और 8 एक ही पे आ रहा होगा आई थिंक, अब बनाइए वर्चुअल, तो ये इसी पे आ रहा होगा और ये इसी पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, और 7 और 3 तो यहीं पे है, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 4 कहां पे गया, ये 6 और ये 4 का लाइन हो गया, ये कौन सा है 7 और 3 का, ये 7 यहीं पे, ये 7 से इधर से 3 गिराएंगे और इधर से ये 7 वाला गिराएंगे, देखिए यहां पे ये 3 और ये 7, तो एक पॉइंट यहां 7 और ये 3 वाला पॉइंट मिलेगा, 2 और 8 2 ए और 8 यहीं का यहीं मिलेगा, और ये 1 सॉरी ये 2 और 8 यहां पे मिला, और ये कौन सा मिलेगा 1 वाला पॉइंट। अब इसको आप मिलाएंगे तो ये टॉप व्यू में भी कुछ इसी तरह से मिलेगा आपको, एग्जैक्ट इलिप्स नहीं दिखेगा लेकिन इलिप्स से ही मिलता जुलता कुछ आपको यहां पे मिलेगा। ये था आपका टॉप व्यू और ये है फ्रंट व्यू और ये है आपका साइड व्यू। तो इस तरह से कोई सर्कल जिसका डायमीटर का एक एंड एचपी में है, दूसरा एंड वीपी में है, एक एंड एचपी दूसरा एंड कहां पे है वीपी में, एंड दैट सर्कुलर प्लेन इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी एंड 30 डिग्री टू द एचपी, है कि नहीं, देन दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्शन। तो इस तरह से अपने को ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।